हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 17 फरवरी की जो न्यूज़ है हिमाचल न्यूज़, वो रीड आउट करेंगे। उसमें पहली न्यूज़ बनकर के आ रही है, 40,000 आउटसोर्स कर्मियों के लिए मांगी स्थायी नीति, बैठक में हुआ मंथन। जो 40,000 आउटसोर्स कर्मी जो थे, उनने अभी राम मंदिर शिमला में बैठक की। उस बैठक में उनने सरकार से एक स्थायी नीति बनाने के लिए बात की हुई है। यही हिमाचल गवर्नमेंट से बात की गई है आउटसोर्स कर्मियों ने, कि उनके लिए कोई परमानेंट ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे वो आगे का उनका फ्यूचर जो है क्लियर हो सके। सेकंड न्यूज़, शिक्षा मंत्री के दीप कमल में बैठते ही तबादले करवाने पहुंचे लोग। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जब भाजपा के जो शिमला में जब बैठे, तो शिमला में वहाँ पर बहुत सारे लोग जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए टीचर जैसे थे, तो वो वहाँ पर तबादला करवाने के लिए उनके पास पहुँचे। नेक्स्ट आपका मिड डे मील कर्मी 20 फरवरी को बोलेंगे हल्ला, देशव्यापी हड़ताल का किया समर्थन। तो अभी मिड डे मील वाले जो है, अभी ऐसे स्कूल खुलने वाले हैं, तो इनका भी ये मानना है कि हमारी जो है गवर्नमेंट, हमारी जो अभी इनको जो भी मंथली पे मिल रहा है, मे बी 2,000 के आसपास जो भी मिल रहा है, तो वो उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इनका भी ये मानना है कि देश लेवल पर ये हड़ताल का जो की जा रही है उसका समर्थन करेंगे। ये मिड डे मील वालों का कहना है। नेक्स्ट आपका, यूक्रेन से हिमाचल के 1,800 बच्चों को वापस लाने का प्रयास करे सरकार, मुकेश अग्निहोत्री। ये हमारे विपक्ष के मंत्री है, तो मुकेश अग्निहोत्री विपक्ष, उनने सरकार को घेरते हुए कहा कि जो 1,800 हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं या दूसरे व्यक्ति जो भी यूक्रेन में रह रहे हैं, तो कैसे भी करके हिमाचल सरकार उनको वापस लाए। इसको लेकर के भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए कि वो यूक्रेन में जितने भी भारतीय हैं वो सारे के सारे वापस आ जाए। नेक्स्ट आपका, हिमाचल में कोरोना से 2 की मौत और 157 नए संक्रमित मामले। तो अभी दो कैसे जैसे हुए कि जिससे कोरोना से उनकी मौत हुई है। चंडीगढ़ में मंथन, नगर निगम क्षेत्र के पीर सिमन के बाद कांग्रेस करेगी प्रत्याशी की घोषणा। तो अभी कांग्रेस कौन कौन प्रत्याशी जो है वो उनके ओर से उठेंगे, तो इसके लेकर के चंडीगढ़ में मंथन किया गया था। नेक्स्ट आपका, फंड का दुरुपयोग, एकीकृत बागवानी विकास परियोजना में गड़बड़ झाला, ऑडिट में लगी आपत्तियां। तो ये आपका बागवानी विकास में लेकर के कुछ वहाँ पर धांधली हुई है। यात्रियों को सुविधा, शिमला और दिल्ली के बीच HRTC की छठी वोल्वो शुरू। भी जैसे जैसे मौसम ठीक होता जा रहा है और काफ़ी लोग जो है टूरिस्ट लोग हिमाचल की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे में शिमला दिल्ली के बीच में एक और वोल्वो बस, छठी वोल्वो बस जो है वो लगा दी गई है। नेक्स्ट, उसके बाद हिमाचल में टल रही है डॉक्टरों की हड़ताल, सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया। तो जो अभी डॉक्टरों की हड़ताल, डॉक्टरों ने ये बोला था कि वो कभी भी हड़ताल पर जा सकते, तो इसको लेकर के शायद में भी अब हड़ताल ना हो, तो क्योंकि सरकार जो है उनके साथ बात करना चाहती है, सरकार ने उनको वार्ता के लिए बुलाया हुआ। नेक्स्ट आपका, हिमाचल प्रदेश वेदर अपडेट, रोहतांग और बारा जो जो मौसम से जुड़ी जानकारी आ रही, तो रोहतांग और बारालाचा दर्रा में हल्की बर्फबारी हुई, शिमला में खिली धूप। तो ये मौसम का आपका जानकारी आ रही है। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, स्कूलों में मिड डे मील परोसने को मंजूरी के लिए सरकार का इंतजार। तो मिड डे मील निदेशालय जो आप कहे, उसने सरकार से अभी वो इस चीज़ पर बात करेंगे कि अभी जैसे स्कूल खुल रहे हैं, तो वहाँ पर फर्स्ट 2 8th के बीच में या फर्स्ट 2 5th के बीच में प्राइमरी स्कूल लेवल पर जो है बच्चों को मिड डे मील का भोजन जो है परोसा जाए कि नहीं परोसा जाए। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका, नई सुविधा, अब ऑनलाइन होंगे परिवार रजिस्टर, पंचायत सचिव के चक्कर काटना से मिलेगा छुटकारा। तो सरकार ने ये अच्छी बात जो अभी सरकार से हुई है, सरकार ने अभी ये घोषणा की गई है कि अब जो पंचायत सेक्रेटरी के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप परिवार रजिस्टर पे कर सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं ये सारा। ना बिजली बोर्ड जो BOD का बड़ा फैसला,
जूनियर टीममेट अब 4 नहीं 3 वर्ष में बन जाएंगे टीममेट। जूनियर टीममेट जो थे वो उनका 3 साल में ही वो रेगुलर मतलब टीममेट बन जाएंगे, वो जो आपके 4 साल में होने वाले थे तो अभी वो 3 साल में हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी से करोड़ों के लेन देन की 5 जिलों से शिकायत, जांच शुरू। तो ये इसमें काफ़ी नुकसान हुआ, तो इसमें सोलन में भी काफ़ी केसेज आए हुए, तो लोगों ने जो है इसको लेकर के जांच, सरकार ने इसको लेकर के जांच शुरू कर दी गई है कि क्या है इसका मसला। बाकी ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, और ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही थी आज की हिमाचल की लेटेस्ट न्यूज़। धन्यवाद।